बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे कैसे डायरेक्ट टैक्स कोड ला रहा है टैक्स में कमी की सबसे बड़ी खबर, लेकिन इसके साथ ही जानेंगे सियाचिन को सैलानियों के लिए खोलने के बाद से कैसे शुरू हो गई एडवेंचर टूरिज्म की तैयारी, और देखेंगे कैसे एयरटेल ने जियो को पटखनी देने के लिए चला है नया दांव। लेकिन शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 के साथ। 6 दिनों के ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट, पेट्रोल 5 पैसे डीजल 6 पैसे प्रति लीटर सस्ता। रिटेल लोन के लिए एजेंट्स के इस्तेमाल पर आरबीआई लगाएगा रोक, ग्राहकों के दस्तावेज की जांच की भी डीएसए को नहीं होगी अनुमति। मंगलवार को एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों में रही हड़ताल, कई जरूरी बैंकिंग सेवाएं ठप। नोटबंदी जीएसटी के बाद मनरेगा में बड़ी युवाओं की तादाद, एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 30 साल के युवाओं की बड़ी संख्या। भीम 2 का आगाज होने से अब ज्यादा लेन देन करना होगा मुमकिन, आईपीओ के लिए भी किया जा सकेगा आवेदन। जेल के अगली कुछ तिपाहियों में रिटेल एस्टेट सेक्टर में फिर से तेजी आने का लगाया गया अनुमान, कहा 2013 वाले स्तर पर जल्द आएगा प्रॉपर्टी बाजार। एक साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने पहुंचे 26 लाख से ज्यादा लोग, 57 करोड़ की टिकटों की बिक्री। नोएडा अथॉरिटी का सिंगल यूज प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को किया गया सम्मानित। अब उबर के ऐप से ही मेट्रो स्टेशन में बगैर टिकट होगी एंट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकल्प से घर से मेट्रो और फिर मेट्रो स्टेशन से मंजिल तक जाना होगा मुमकिन। अब फेसबुक पर मिलेगा न्यूज का अलग सेक्शन, फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग लॉन्च करेंगे समाचार टैब। टैक्स की टेंशन दूर करने की खबर लेकर डायरेक्ट टैक्स कोड के आने का बिगुल बज चुका है। डायरेक्ट टैक्स कोड सबसे बड़ी राहत 5 लाख से 10 लाख की सैलरी ब्रैकेट वाले लोगों के लिए आ सकता है। आखिर टास्क फोर्स ने क्या सिफारिश की है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद अब इनकम टैक्स स्लैब में भी कमी की मांग तेज हो गई है। मंदी के माहौल में कारोबारियों के साथ ही आम आदमी को भी राहत देने की तैयारी की जा रही है। आम आदमी को टैक्स में कमी का तोहफा देने की जिम्मेदारी डायरेक्ट टैक्स कोड उठाने को तैयार है। इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव के लिए अखिलेश रंजन की अगुवाई वाली टास्क फोर्स ने भी सिफारिश की है। ये कमेटी अगस्त में ही डायरेक्ट टैक्स कोड पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन खबरों के जरिए टैक्स में कमी की सिफारिशें सामने आने लगी हैं। जानकारों का भी मानना है कि टैक्स में कमी के लिए अब सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इन बदलावों से जो आपके इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, उनको काफी राहत और बचत मिलेगी। यदि आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए है तो आपको तकरीबन 10% की बचत होगी आपके आयकर के अंदर। यदि आपकी सालाना आय 24 लाख रुपए है तो आपको तकरीबन 36% की आयकर के अंदर बचत होगी। यदि आपकी सालाना 50 लाख रुपए या उससे ऊपर है तो आपका जो सरचार्ज हटाने से आपकी जो आयकर की रकम है उसके अंदर काफी बचत होगी। इन सुझावों को मानने के लिए सरकार की जो कुल लागत रहेगी वो 1,75,000 करोड़ है, और यदि ये सुझाव माने जाते हैं तो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए काफी बड़ी राहत की बात होगी। टैक्स लैब में बदलाव के तहत सबसे बड़ी सिफारिश इस प्रस्ताव में 10 लाख तक सालाना कमाने वालों के लिए की गई है। सिफारिश के मुताबिक 10% वाले टैक्स लैब को 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। सीबीडीटी के मुताबिक 2017-18 में 5.52 करोड़ टैक्स पेयर्स में से करीब 27% की इनकम 5 से 10 लाख रुपए के बीच थी। अगर इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कदम उठाती है तो 1.47 करोड़ टैक्स पेयर्स 20% के टैक्स स्लैब से 10% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। यानी अगर कोई 7 लाख रुपए कमाता है तो उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, उन्हें 44,200 रुपए टैक्स देना पड़ता था। नेट टैक्स स्लैब के बाद यह रकम घटकर 40,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि 9.5% की ही बचत होगी। लेकिन अगर किसी की सालाना आमदनी 10 लाख रुपए है तो उसे टैक्स में करीब 34% तक का फायदा मिल सकता है। उसका टैक्स 1,06,000 रुपए से घटकर 70,000 रुपए हो जाएगा। हालांकि 5 से 6 लाख तक की आमदनी वालों की टैक्स देनदारी में खास अंतर नहीं आएगा। सीबीडीटी के डेटा के मुताबिक अगर टैक्स स्लैब में और बदलाव होते हैं और 40 लाख लोग 30% टैक्स स्लैब से कम होकर 20% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, इस स्लैब के हिसाब से 22 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोग करीब 1,70,000 रुपए बचा सकते हैं, उनके टैक्स में 36% की कटौती होगी।
टास्क फोर्स ने 35% का नया टैक्स लैब लाने की भी सिफारिश की है। इस लैब में सालाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले लोगों को रखा जा सकता है। सुपर रिच की कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिश में इस आय वर्ग के लोगों के अस्थायी तौर पर ही सरचार्ज वसूलने के लिए कहा है। 2013 में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने सरचार्ज की शुरुआत की थी। उस वक्त इसे अस्थायी कहा गया था, लेकिन उसके बाद सभी बजटों में इसे लगातार जारी रखा गया है। आज तक ब्यूरो। सियाचिन को पर्यटकों के लिए खोले जाने के साथ ही अब देश भर में एडवेंचर टूरिज्म की नई शुरुआत हो सकती है। अभी तक गोवा या मनाली जैसी जगहों पर ही पर्यटकों को पानी या पहाड़ों से जुड़े एडवेंचर गेम्स का मौका मिलता था, लेकिन अब सियाचिन के करीब मौजूद जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत के लिए बड़ी तैयारी की गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में अब पर्यटक भी जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को पर्यटकों के लिए इसे खोलने का ऐलान किया। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक पूरे क्षेत्र को सैलानियों के लिए खोलने का फैसला किया है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सियाचिन बेस कैंप से ले कुमार पोस्ट तक टूरिस्ट के लिए खोलने का निर्णय ले लिया गया है और देशवासियों को किस तरह से मुश्किल हालात में हमारी सेना को देश की रक्षा में तैनात होकर काम करना पड़ता है इसकी जानकारी हो सके, इसी दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। सियाचिन के खुलने के साथ ही अब एडवेंचर टूरिज्म का दौर तेजी पकड़ सकता है। जम्मू में प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब वहां पर नए इलाकों की पहचान की जाएगी जिससे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत अब जम्मू में ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग और कैंपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही पानी से जुड़े खेल जैसे राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग और बोटिंग के जरिए भी पर्यटकों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। एडवेंचर टूरिज्म के सबसे बड़े साथी पैराग्लाइडिंग, बेस जंपिंग, पैरासेलिंग और राफ्टिंग को भी इस मुहिम में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। एडवेंचर टूरिज्म को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए मंसर जैसी लोकेशंस का भी चुनाव किया जाएगा। वहां पर विज कैंपिंग, ट्रैकिंग वगैरह को मंजूरी के बाद शुरू किया जा सकेगा। रंजीत सागर लेक में पानी से जुड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स को शुरू किया जा सकता है। जम्मू प्रशासन ने केवल रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स को ही इसके लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है। चेनाब के बारादारी से अंबारन अखनूर तक के हिस्से को राफ्टिंग का ठिकाना बनाया जाएगा। एक्वाजोर्बिंग को लाने पर भी जम्मू प्रशासन विचार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। जियो और एयरटेल की लड़ाई जगजाहिर है। लंबे समय तक देश की नंबर वन कंपनी रही एयरटेल को आईयूसी चार्ज के बहाने अब जियो से बदला लेने का मौका मिला है। एयरटेल ने ट्राई से मांग की है कि आईयूसी चार्ज को अभी 3 साल और जारी रखा जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर जियो ग्राहकों को 6 पैसे प्रति मिनट का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इंटरकनेक्शन यूजर्स चार्जेस यानी आईयूसी पर टेलीकॉम मार्केट में घमासान मचा है। इसके बीच भारतीय एयरटेल ने टेलीकॉम रेगुलेटर से आईयूसी खत्म करने की अवधि बढ़ाने को कहा है। एयरटेल की मांग है कि आईयूसी चार्ज को सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कम से कम 3 साल तक जारी रखा जाए। पहले इसे जनवरी 2020 से पूरी तरह खत्म किया जाना था। एयरटेल का कहना है कि नेटवर्क्स के बीच ट्रैफिक का संतुलन अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि 40 करोड़ तक मोबाइल यूजर्स अब भी 2G नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरटेल ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई से कहा, लंदन के GSMA ने अनुमान लगाया है कि 2025 तक भी 12-13% भारतीय यूजर्स 2G हैंडसेट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसे में एयरटेल जीरो आईयूसी चार्जेस के बजाय मौजूदा स्कीम को लागू रखवाना चाहता है। एयरटेल ने कहा कि 4G ऑपरेटर्स की तरफ से मिल रहा ट्रैफिक मैग्नीट्यूड और परसेंटेज दोनों लिहाज से जहां हाई है, वहीं ट्रैफिक सिमेट्री या संतुलन अभी तक नहीं मिल पाया है। भारत का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क रिलायंस जियो एयरटेल की इस मांग का विरोध कर रहा है और आईयूसी को खत्म करवाना चाहता है। रिलायंस जियो बड़े यूजर बेस के चलते पढ़ने वाले दबाव का हवाला देकर अपने कस्टमर्स को दूसरे नेटवर्क्स पर कॉलिंग के लिए अलग से आईयूसी चार्ज लेने जा रहा है। इसके लिए जियो कस्टमर्स को पहले से मिलने वाले प्लान्स के अलावा आईयूसी टॉपअप वाउचर से रिचार्ज करवाना होगा।
आईयूसी के तहत आउटगोइंग कॉल करने वाला ऑपरेटर कॉल रिसीव करने वाले ऑपरेटर को ये चार्ज देता है। ट्राई ने इसकी दर 6 पैसे प्रति मिनट तय की हुई है। इसके लिए जियो मेन प्लान के साथ ही आईयूसी कॉम्बो देने वाले कई प्लान लेकर आया है। एयरटेल जियो की तरफ से अलग से आईयूसी चार्ज लिए जाने को अपने लिए एक मौके की तरह देख रहा है और यूजर्स को लुभा रहा है। फिलहाल जियो ही अकेला ऐसा नेटवर्क है जो दूसरे नेटवर्क्स पर कॉलिंग के लिए कस्टमर्स को अलग से चार्ज कर रहा है। एयरटेल का कहना है कि कस्टमर्स के लिए दूसरे नेटवर्क्स पर कॉलिंग करना आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी के चलते 6 पैसे प्रति मिनट से ज्यादा महंगा है। ऐसे में आईयूसी को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जियो ने कहा है कि यूजर्स को सिर्फ तब तक ही आईयूसी पैक से रिचार्ज करवाना होगा जब तक ट्राई इसे खत्म नहीं कर देता। जियो और एयरटेल के कड़े मुकाबले के बीच आईयूसी को खत्म करने या न करने की खींचतान का असर जियो कस्टमर्स पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अलग से आईयूसी चार्ज देना होगा। आज तक ब्यूरो।